नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर लखनऊ से है। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह का 70वां जन्मदिन आज। सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को सम्मानित भी किया। तो पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की आज 170वें जन्मदिन के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सीएम योगी ने माल्यार्पण किया है और साथ ही साथ किसानों को सम्मानित भी किया, क्योंकि चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता कहे जाते रहे और थे, हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसे में उनके जन्मदिवस के मौके पर किसानों को सम्मानित किया जा रहा है। सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। बड़ी खबर है इस वक्त की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को सम्मानित भी किया। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह का 170वां जन्मदिन आज। उनके जन्मदिवस के मौके पर सीएम योगी ने किसानों को सम्मानित किया है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता था। ऐसे में उनके जन्मदिवस के मौके पर किसानों को सम्मानित कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और बकायदा इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम किसानों को सम्मानित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को सम्मानित किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह का 170वां जन्मदिवस आज। उनके जन्मदिन के मौके पर किसानों को सम्मानित किया गया। अन्न के माध्यम से सोना उगलने का कार्य कर सकती है, और इन्होंने रिकॉर्ड उत्पादन, चाहे वह दलहन का हो, तिलहन का हो, धान है, गेहूं है या फिर गन्ने का है, जो रिकॉर्ड उत्पादन किया है, आज इन्हें राज्य स्तरीय सम्मान से उन्हें पुरस्कृत यहां पर किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी किसान भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। चौधरी चरण सिंह जी को उनके 170वीं जयंती के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रदेश के किसानों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि केंद्र और प्रदेश सरकार आपके हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, और आप सभी प्रदेश और केंद्र सरकार के इस अभियान के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। इसके साथ ही सीएम योगी ने ट्वीट कर चौधरी चरण सिंह को नमन भी किया। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, किसानों की आवाज बुलंद करने वाले, वंचित समाज के सशक्तिकरण के आजीवन इसके लिए काम करने वाले प्रखर नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें शत शत नमन, और किसान दिवस पर भी सभी किसान बंधुओं का सादर अभिनंदन। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, किसानों की आवाज बुलंद करने वाले एवं वंचित समाज के सशक्तिकरण के लिए आजीवन कार्य करने वाले प्रखर नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन, और किसान दिवस पर सभी किसान बंधुओं का सादर अभिनंदन। अखिलेश यादव ने भी चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। विधान भवन में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर उन्होंने भी माल्यार्पण किया। 170वीं जयंती के मौके पर देखिए, पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी पहुंचे और अखिलेश यादव ने भी माल्यार्पण किया। इस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी माल्यार्पण किया था और कोटि कोटि नमन करते हुए ट्वीट भी किया था स्वर्गवासी चौधरी चरण सिंह जी को। अखिलेश यादव ने जिस दौरान में माल्यार्पण किया, उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अरे अभी तो शुरुआत नीचे आने की, जब उत्तर प्रदेश में, बिहार में और बंगाल में चुनाव आएगा तो देखना भारतीय जनता पार्टी कितना नीचे पहुंच जाए। देखिए, आजम खान साहब को जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। रामपुर में जो घटना हुई उसमें जानबूझ करके निर्दोष लोगों को पुलिस उठा रही है। अगर किसी की गोली से मरे हैं तो वो पुलिस की गोली से लोग मरे हैं। जितनी भी मौतें हुई उत्तर प्रदेश में वो पुलिस की गोली से हुई हैं और सरकार के इशारे पर हुई हैं। अगर कोई दोषी है तो सरकार दोषी है। हमें हमारे कार्यक्रम को नहीं करने दिया बिजनौर जयंत चौधरी जी को, और हमारा कार्यक्रम था, बताइए, धारा 144 का बहाना देकर के कार्यक्रम नहीं होने दिया। क्या यहाँ पर मंच पे धारा 144 नहीं थी? यहाँ पे माननीय लोग बैठे थे। क्या बीजेपी के लिए धारा 144 नहीं है?
केवल समाजवादी पार्टी के लिए है, धारा 144 विपक्ष के लिए है। अखबार लिख रहा है लायर हैं आप, सोशल मीडिया लिख रहा है लायर हैं। आप लोग कहते हो चुपचाप, कैमरे पे नहीं कहते हो, अलग से कहते हो आप हमें। और बताइए कैसी सरकार है, हमारे कार्यक्रम में पार्टी कार्यालय में LIU का अधिकारी भेज दिया और सरकार ने एक प्रेस के पत्रकार के साथ भेजा है। बताओ पत्रकार साथियों, आप बताओ, एक पत्रकार का कैमरा लेकर के LIU का इंस्पेक्टर हमारी पार्टी कार्यालय में आया। आपको जानना चाहिए कि मुख्यमंत्री किसके सहारे पे काम कर रहे हैं। मायावती ने भी ट्वीट किया और हिंसक प्रदर्शनों को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए लिखा है, जैसा कि विदित है कि BSP हिंसक प्रदर्शन आदि के हमेशा खिलाफ रही है, लेकिन पिछले कई दिनों से देश के अधिकांश भागों में और खासकर उत्तर प्रदेश में जो CAA और NRC के खिलाफ हिंसक घटनाएं हुई हैं, ये अति दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मायावती ने दूसरा ट्वीट लिखा है, किंतु इस दौरान बिजनौर सहित कई जिलों में जो लोग मारे गए, पार्टी इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। लोग जो गिरफ्तार हुए उनकी सही जांच पड़ताल करके निर्दोषों को जरूर छोड़ा जाए, ये सरकार से मांग है और कानून भी यही कहता है। वाराणसी में रेप पीड़िता ने परिवार सहित जहर खा लिया। पीड़िता ने परिवार सहित जहर खाया और पीड़िता मां और पिता सभी जहर खा चुके हैं। अफसरों पर जांच प्रभावित करने के आरोप लगाते हुए जहर खाया गया। पीड़िता ने SSP ऑफिस के बाहर ये जहर खाया है। तो देखिए, जब इंसाफ नहीं मिला तो मौत ज्यादा आसान लगी। लगातार अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काटते रहे, लेकिन उसके बावजूद जब पुलिस की नींद नहीं खुली, जब पुलिस नहीं जागी, तो आखिरकार पीड़ित परिवार ने जहर खा लिया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। पूरे परिवार की क्या मनोस्थिति रही होगी जिस पूरे परिवार ने एक साथ जहर खा लिया। पीड़िता माँ सभी ने जहर खाया। अफसरों पर जांच प्रभावित करने के आरोप, जिसके बाद तीनों ने ही जहर खा लिया। पीड़िता ने SSP ऑफिस के बाहर जहर खाया, जिसके बाद में आनंद फार्म को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता माँ और पिता तीनों ने जहर खा लिया। सोचिए माँ बाप कितने बेबस होंगे जिनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा। दर दर की ठोकरें खाने के बाद मौत ज्यादा आसान लगी और पूरे परिवार ने जहर खा लिया। सुजीत पटेल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। सुजीत, मामले पर क्या कुछ जानकारी है? बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं अधिकारियों के ऊपर। दूसरी खास बात यह है कि इतना मजबूर होना पड़ा परिवार को कि इंसाफ नहीं मिला तो मौत आसान लगी। जी सच्ची बता दें कि देखिए, पीड़िता जो है, पीड़िता का ये कहना, परिवार लोगों का कहना था कि हम लोग लगातार पुलिस से गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिस इसमें सुनी नहीं। लगभग एक माह हो गया था जिसमें ये लोग रोज SSP के कार्यालय का चक्कर लगा रहे थे, आला अधिकारी का चक्कर लगा रहे थे, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई से संतुष्ट रहने दिखे। जो पुलिस की बात की जाए तो पुलिस का कहना है कि हम आरोपियों को पकड़ लिए हैं और उनको जेल भेज दिया गया है, लेकिन अब इन लोगों का जो कहना है परिजनों का कि आरोप केवल जेल भेज देना ही नहीं था और उनके साथ जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं की है, जिसके कारण आज आके SSP कार्यालय के बाहर इन लोगों ने जहरीला पदार्थ खाया है, जहाँ तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है। जी, दीनदयाल अस्पताल जो ट्रॉमा सेंटर है वहाँ वो भर्ती कराया गया। अब देखना यह है कि पुलिस अभी यहाँ भर्ती करा के उन लोग जो खिलाफ, परिवार क्या कार्रवाई चाहता है? परिवार तो आरोप लगा रहा है कि पूरे मामले के अंदर जांच प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब ये कि तथ्यों के साथ में छेड़छाड़ किया जा रहा है, और वही पुलिस महकमे की ओर से जिनसे इंसाफ की गुहार लगाई जाती है, इनसे उम्मीद की जाती है कि वो ऐसी रेप पीड़िताओं को कम से कम इंसाफ दिलाएंगे। परिवार का ये आरोप है कि परिवार का ये जो लोगों का कहना है कि अब तक पुलिस एक माह से ऊपर हो गई, लेकिन कार्रवाई केवल कार्रवाई कागज तक हुई, लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं लग पाई। और पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अभी प्रशासन द्वारा इस मामले को लेकर कई बार लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने इस पे बात नहीं किया था। टाल मटोल कर दिया कि इस पर कार्रवाई की जाए। मामला ये है कि रेलवे के एक अधिक बाबू है, उसमें उनका नाम सम्मिलित है, और भी सफेद पोस्ट के लोग हैं जिनका नाम सम्मिलित है। इसका जो बच्ची है इसको मुंबई हीरोइन मनाने के लिए ले गए थे, और जिसके कारण वहाँ उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, और उस वहाँ पे फिर वहाँ से जब वो भाग के आई और यहाँ वाराणसी में, तो पुलिस डरती है क्या सफेद पोस्ट लोगों से? कहीं ना कहीं पुलिस सफेद पोस्ट लोग से डरती है, तभी तो इस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। कार्रवाई की होती तो साथ ही ये परिजन आज ऐसा जहर नहीं खाए होते और SSP के कार्यालय के बाहर लगा। SSP का क्या कहना है? इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, आप क्या कह रहे हैं SSP साहब? SSP का कहना है कि हम इन लोगों की गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन गिरफ्तारी कर लिए हैं तो परिवार क्यों जहर खाता? गिरफ्तारी की गई होती तो क्यों परिवार जहर खाता? ऐसा
सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि लगातार तो सुजीत इसके तो डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, अगर किसी की गिरफ्तारी होती है, किसी के खिलाफ में मामला दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी होती है, कोर्ट भेजा जाएगा, पेशी की जाएगी, कहाँ है वो कागजात? जो परिवार संतुष्ट नहीं दिख रहा है कि सुजीत पुलिस पुलिस वालों ने अब तक तो इस पूरे मामले को लेकर अपना स्टैंड क्लियर किया होगा ना, अगर गिरफ्तारी हुई है तो कहाँ है वो कागजात? और एक और बात बता दें कि जो तीनों की गंभीर हालत थी तो इनको यहाँ से पीएचयू के ट्रामा सेंटर में रेफर किया जा रहा है और इन लोगों की हालत तीनों की गंभीर बनी हुई है। पुलिस अभी तक कार्रवाई के नाम पे कुछ की नहीं है। सुजीत जाइएगा अधिकारियों के पास में और उनसे वो कागजात मांगिएगा और फिर जुड़ेंगे आपसे, तब जनता को बताएंगे क्या हकीकत है इस पूरे मामले की। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका पूरी जानकारी के लिए। बस्ती से भी एक ऐसी दुखद घटना सामने आई है। डीएम कार्यालय के सामने खुदकुशी का मामला, युवक ने आत्मदाह की कोशिश की। कलवारी पुलिस की प्रताड़ना से युवक परेशान था, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। पुलिस पर मकान में छत लगाने से रोकने के आरोप हैं। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है, पुलिस पर मकान में छत लगाने से रोकने का आरोप है। और उसके बाद पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया, क्योंकि हड़कंप मच गया। जिस दौरान में इसने आत्मदाह की कोशिश की, तमाम जो पुलिस कर्मचारी थे मौके पर तुरंत से बाहर आए और उसके बाद में आनन फानन में, क्योंकि देखिए आप परिवार भी देख रहे हैं आसपास में, और इन सभी को पकड़ा गया। आत्मदाह की कोशिश युवक कर रहा था, जिसके बाद उसको तुरंत से हिरासत में लिया गया। उसके देखिए इसके पास में ये केरोसिन ऑयल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिससे ये आग लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया है। इसकी नाराजगी थी पुलिस महकमे से, जिसके बाद में इसने आत्मदाह की कोशिश की, लेकिन इसकी कोशिश को नाकाम करते हुए पुलिस ने इसे ही पुलिस हिरासत में ले लिया। कि बस्ती की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राघवेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं। राघवेंद्र, किन कारणों से इस युवक ने आत्मदाह की कोशिश की और क्या ये अपने पूरे परिवार समेत वहां पर पहुंचा था? ये बस्ती जिले का चरकेला गांव का निवासी असलम, ये बस्ती तलवारी स्तर से प्रताड़ित होकर और अपने परिवार से प्रताड़ित होकर ये डीएम से शामिल तो मुख्यमंत्री जी से भी शिक्षा मांगा था, उसके बाद आज इसी क्रम में ये जब तंग आ गया अपने प्रशासन से और सबसे तंग आकर डीएम ऑफिस तक पहुंच व्यवस्था बहुत ज्यादा, तो उसके बाद भी राघवेंद्र ठीक से समझ नहीं पाए किन कारणों से नाराजगी थी। एक बार फिर से बताइएगा किन कारणों से नाराजगी थी जिसके कारण ये आत्मदाह तक पहुंच गया। जमीनी विवाद चल रहा था, इसके पर्दा से पुलिस इसके पर्दा का मदद कर रहा था और उसी को लेकर ये मुख्यमंत्री से और डीएम से जिले कुछ अधिकारियों से भी प्रार्थना पत्र दिया था इच्छा मित्र मांगने का। उसी क्रम में जब जिसको इच्छा मित्र नहीं मिले तब ये आज डीएम ऑफिस पे पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करने की कोशिश किया है। पुलिस व्यवस्था होने के बाद भी ये पुलिस व्यवस्था को ध्वस्त बताते हुए वहाँ पर मट्टी का तेल छिड़क के खुद को आग लगाने जा रहा था। उसी क्रम मामले में क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? इसको तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन जो उसकी समस्या उसका कोई समाधान भी है या फिर इसी को जेल में डाल देंगे? अभी तक इसका समस्या का कोई समाधान नहीं कर पाया, अधिकारी बच रहे हैं कुछ भी ध्यान देने से, और इस युवक को इसके पूरे परिवार को ले जाकर कोतवाली में बैठाया गया है, कह रहे हैं कि इसके न्यायालय में मामला चल रहा है, लेकिन अभी तक न कोई स्टेट कागज कोर्ट का सामने आया ना ही कोई मामला न्यायालय का आया है। उसको पुलिस अपना पल्ला झा रही है कि इतना का मामला है और न्यायालय चल रहा है, इसलिए हम लोग इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। चलिए ठीक है राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। राघवेंद्र, कलवारी पुलिस की प्रताड़ना से परेशान था यह युवक, जिसके बाद में इसने अपने पूरे परिवार समेत यहां पर पहुंचकर आत्मदाह की कोशिश की, इसके बाद में कोतवाली में इनको बिठाया गया है और फिलहाल मामले को शांत कराने की कोशिश पुलिस।
और देखिए लगातार यूपी पुलिस दंगाइयों की फोटो जारी कर रही है। इस बीच मेरठ पुलिस ने भी दंगाइयों की फोटो जारी की है। पत्थर आगजनी तोड़फोड़ करते दंगाइयों की फोटो सूचना देने वालों को इनाम देने की भी घोषणा। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रहेगी, यानी अगर कोई भी इन दंगाइयों के बारे में जानकारी देता है तो ऐसे दंगाइयों की जानकारी देने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा, उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। सूचना देने वाले को इनाम देने की घोषणा और साथ ही दंगाइयों की तस्वीरें भी जारी की गई है। देखिए वांटेड दंगाई करके इनका पोस्टर बकायदा रिलीज किया गया है और लिखा गया है कि सूचना देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि जो जानकारी देगा उनके नाम भी गुप्त रखे जाएंगे। ये वो दंगाई है जिन्होंने मेरठ को आग के हवाले करने की कोशिश की थी और पत्थर आगजनी कर लगातार ये लोग माहौल बिगाड़ रहे थे, जिसके बाद अब इन दंगाइयों की तस्वीरें जारी की गई हैं ताकि इनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो पाए। आप इन तमाम चेहरों को देख लीजिए, अगर आप भी इनके बारे में कोई सूचना देते हैं तो आपको भी इनाम दिया जाएगा। ये मेरठ पुलिस की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया है, पोस्टर जारी किया गया है, जिसके तहत आप लोगों से सहयोग की अपील कर रही है मेरठ पुलिस। मेरठ पुलिस ने दंगाइयों के ये चेहरे सार्वजनिक कर दिए हैं जिन्होंने उस दिन मेरठ में आगजनी हिंसा फैलाने की कोशिश की थी, पत्थरबाजी की थी। आपको याद होगा मेरठ में किस तरीके से आगजनी की गई थी, माहौल खराब करने की तमाम कोशिश की गई थी, यहां तक कि पुलिस चौकी को भी नहीं बख्शा गया था, पुलिस चौकी में भी आग लगा दी गई थी। हर जगह पर चारों ओर सिर्फ और सिर्फ हिंसा फैलाने की इनकी साजिश थी, पत्थरबाजी तमाम कर रहे थे। उस दौरान की तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से बसों को आग के हवाले किया गया, इसके अलावा पुलिस थाने को आग के हवाले किया गया। उसके बाद अब इन दंगाइयों के चेहरे सार्वजनिक किए गए हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रहेगी। वांटेड दंगाई करके इनका पोस्टर रिलीज किया गया है और इन पोस्टर के तहत लोगों से अपील की जा रही है। अजय साहनी एसएसपी मेरठ हमारे साथ में। अजय साहनी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अजय सानी जी, आप लोगों ने बकायदा ये पोस्टर रिलीज कर दिया जिसके अंदर आपने लिखा है वांटेड दंगाई, अभी तक लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है और कितने लोगों को अभी तक और आइडेंटिफाई आप लोग कर चुके हैं? जी, अभी तक टोटल 106 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है और 100 और लोग हैं जिनको आज आइडेंटिफाई कर दिया गया है। शाम तक दूसरी खेप पोस्टर की जारी की जाएगी। यहाँ इसका उद्देश्य ये था कि बार बार कई लोग कह रहे हैं कि निर्दोषों को प्रताड़ित न किया जाए, इसलिए सबको ये पोस्टर पूरे शहर में चस्पा करा दिए गए हैं, जिसमें पत्थर चलाते हुए, कुछ पोस्टर्स में गोलियां चलाते हुए, डंडे मारते हुए, सरकारी संपत्ति नष्ट करते हुए हैं, ताकि इनके बारे में कोई ये ना कहे कि निर्दोषों को पुलिस पकड़ के प्रताड़ित कर रही जी। और आज एक मीटिंग 2 बजे शहर के पूरे जनपद के सभी मुस्लिम संप्रदाय के जो धार्मिक प्रतिनिधि नेता उनको बुलाई गई है, उनको भी ये सारे फोटोज दिए जा रहे हैं। 2 बातें उनसे कही जा रही है, एक तो इनकी आप सिफारिश ना करें, दूसरे बेहतर ये है कि स्वयं आप इनको थाने पे ले आके सुपुर्द कर दें, इनको हम लोग न्यायालय के सामने प्रस्तुत करें और जिन धाराओं में इन्होंने अपराध किया उसमें न्यायालय द्वारा कार्रवाई जो भी बनेगी सुनिश्चित की जाएगी। मतलब आप लोग विद एविडेंस पहले ही इनके पोस्टर चस्पा करें ताकि लोगों को कोई शिकायत न रहे। अभी तक लोगों का किस तरह का सहयोग मिल रहा है जसानी साहब? लोगों का ये कहना है कि हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, जो बलवाई कुछ बाहर के थे उन पर कार्रवाई हो और जो शहर के चिन्हित हुए हैं इन पे भी आपको कार्रवाई करिए। और हमने ये बता दिया इनकी जो सिफारिश करेगा ये माना जाएगा कि ये दंगा करवाने में उसकी भूमिका रही है। तो अजय सानी जी, अभी मेरठ के हालात ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट? जी, मेरठ के हालात एकदम ठीक है, पूरी तरह से सामान्य है और जो 11 मुकदमे लिखे गए हैं उन पर सुपरविजन के लिए एक SP और एक डिप्टी SP को लगा दिया गया है, ताकि FIR में जो नाम आ रहे हैं उसमें ये ना कहें कि नीचे के लेवल पे किसी प्रकार से कुछ गलतियां हो रही हैं। और यानी लोगों को आइडेंटिफाई, अभी कुछ ऐसे भी और मौजूद लोग हैं जिन्होंने उस दौरान में दंगा को करवाने में उनकी भूमिका रही थी, क्या ऐसे लोगों को भी आप लोग नजर रखे हुए ताकि आगे इस तरह के हालात न पैदा कर दें ये लोग? जी बिल्कुल, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है और उन पर NSA की कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए अजय सानी क्योंकि खुद मेरठ SSP हैं, उनका ये कहना है कि लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और जो लोग दंगा भड़का सकते हैं या फिर जो संदिग्ध हैं उनके ऊपर लगातार निगाहें रखी जा रही है ताकि कोई इस बार मेरठ में कोई ऐसी हिंसा की चिंगारी ना सुलगा सके, क्योंकि इससे पहले मेरठ को बकायदा आग के हवाले कर दिया गया था। और आप देखिए विद एविडेंस, क्योंकि आप इन तमाम तस्वीरों में देखेंगे किसी के हाथ में पत्थर है, किसी के हाथ में बंदूकें हैं, किसी के हाथ में कुछ इस तरह के साथ जो सामान है जो कि माहौल खराब करने वाला है। ऐसे में बकायदा एविडेंस के साथ में इनकी फोटो चस्पा की गई है पूरे इलाके के अंदर ताकि इनकी तुरंत से तुरंत गिरफ्तारी हो सके। आगे बढ़ेंगे, मुजफ्फरनगर पुलिस ने उपद्रवियों की तस्वीर जारी की है मेरठ पुलिस के बाद, मुजफ्फरनगर भी वैसे दंगाइयों की तस्वीर सामने ला चुकी है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि गुनहगारों को पहचानी है। और अगर आप लोग पहचानते हैं तो पुलिस को इस बारे में
तला कीजिए, उपद्रवियों की सूचना दीजिए और इनाम पाइए। यानी अब देखिए यूपी के अंदर लगभग जहां जिन इलाकों के अंदर इस तरह की हिंसा फैलाई गई थी, अब वहां वहां पर पहले तो उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जो उस दिन दंगा भड़का रहे थे या दंगा कर रहे थे, उन तमाम चेहरों को सार्वजनिक किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, बाकायदा इनकी तस्वीरें छापी गई हैं और लोगों से अपील भी की जा रही है कि अगर आपकी नजरों में भी कुछ वो लोग हैं जो इन तस्वीरों में नहीं है, आप उनके बारे में सूचना दीजिए और आप इनाम पाइए। तो ये तस्वीरें फिलहाल आप देख रही है मुजफ्फरनगर के वो दंगाई जिन्होंने मुजफ्फरनगर का माहौल खराब करने की कोशिश की थी। अब मुजफ्फरनगर पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि आप ऐसे लोगों के बारे में इत्तला कीजिए हमें और इनाम पाइए। मेरठ पुलिस भी यही पहल कर चुकी है। देखिए आप उत्तर प्रदेश में लगभग जिन जिन इलाकों के अंदर हिंसा हुई थी उन तमाम जगहों पर अब लोगों को आइडेंटिफाई कर इनके पोस्टर्स जारी किए गए हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि आप सहयोग कीजिए और अगर कहीं पर भी आपको ऐसे लोग नजर आ रहे हैं तो आप उनके बारे में पूरी सूचना हमें दीजिए और इनाम पाइए। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा और इसके अलावा देखिए पूरे फोन नंबर्स भी दिए जा रहे हैं, पुलिस अधीक्षक से लेकर सहायक पुलिस अधीक्षक सभी के नंबर जारी किए गए हैं ताकि लोग इन नंबर्स पर पुलिस को सूचना दे सके। और देखिए गाजियाबाद के अंदर केला भट्टा इलाके के अंदर आगजनी हुई थी और भीड़ इकट्ठा हो गई थी। अब गाजियाबाद में शांति व्यवस्था को लेकर केला भट्टा इलाके में सुबह पुलिस और प्रशासन ने कई गली में पैदल गश्त की है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। तो ये सुबह की तस्वीरें हैं जब सुबह गाजियाबाद पुलिस सड़कों पर उतरी और बाकायदा फ्लैग मार्च किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब बकायदा अधिकारी ने सड़कों पर निकलकर लोगों को आश्वस्त किया कि आप सुरक्षित हैं और ऐसा कुछ नहीं होगा या कुछ इस तरह के अराजक तत्व अभी हैं भी तो उनके अंदर भी खौफ पैदा हो, क्योंकि आपको याद होगा केला भट्टा इलाके के अंदर किस तरीके से गाजियाबाद में तमाम भीड़ जुट गई थी, हजारों की तादाद में लोग निकलकर बाहर आ गए थे, लगभग 20,000 की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए थे और आगजनी की गई थी। अब गाजियाबाद में आश्वस्त किया जा रहा है कि यहां शांति है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।